ग्राम पंचायतों में चुने जाने वाले सदस्य कहने के लिए तो जनप्रतिनिधि हैं, मगर उनका कोई वजूद नहीं है। जनता द्वारा चुने जाने के बाद उनसे पहली बार हस्ताक्षर तो जरूर करवाए जाते हैं, परंतु इसके बाद ना तो ग्राम प्रधान उनसे कोई राय मशविरा करते हैं और ना ही पंचायत सचिव की तरफ से उन्हें कोई तवज्जो दी जाती है। ऐसे में पंचायत सदस्य का पद महज एक औपचारिकता भर रह गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं उन पंचायत सदस्यों यानी पंचों की जुबानी है जो पिछले 5, 10 व 15 वर्षों में पंच पद पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पंचों के साथ वरिष्ठ जन भी मानते हैं कि उप प्रधान का पद समाप्त हो जाने के बाद पंचायत सदस्यों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, जबकि पूर्व में पंचायत के कर्म व फैसलों पर पंचों का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। फैसलों में उनकी राय को तरजीह दी जाती थी। हालांकि जानकारों का मानना है कि पंचायत सदस्यों को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए, जबकि सदस्यों की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि या तो उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं या फिर यह पद ही समाप्त कर दिया जाए। आप भी जानें, आए इंडिया से ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायत सेवता के पंच संवाल प्रसाद यादव, संतोष कुमार, राम प्रसाद, दिलीप मौर्य एवं ब्लॉक पिसावा की ग्राम पंचायत लोहार खेड़ा के पूर्व पंच योगेंद्र सिंह सूरज व निर्वर्तमान पंच कृष्ण कुमार। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को यह पद समाप्त कर देना चाहिए। सेवता ग्राम सभा में कोई भी प्रधान ग्राम सभा सदस्य को अस्तित्व कोई कुछ नहीं देता। एक बार दस्तखत करा लिया तो करा लिया, नहीं तो वो भी नहीं, कोई खास बात नहीं। काम काज के बारे में किसी से कुछ पूछा जाता नहीं। तो क्या आप दोबारा ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब कोई हमारा अस्तित्व नहीं, 10 साल हम सदस्य रहे, कोई भी हमसे बातचीत नहीं करता है, हमको कुछ मिलता नहीं है, कहीं बुलाया नहीं जाता है, तो हम क्यों सदस्यता का ग्रहण करें? यह चाहते हैं ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव होता है, ग्राम पंचायत सदस्य बन जाता है एक चक्कर, दोबारा कोई मतलब प्रधान या कोई एक चक्कर दस्तखत करवा लेता है, 5 साल तक कोई दस्तखत ना करवाता है, ना किसी बुझता है, कोई नहीं दी जाती है, ना ब्लॉक स्तर से, ना कोई ग्राम पंचायत सदस्य को बुझता है, ना BDO को बुझता है, ना ग्राम सेक्रेटरी को बुझता है, कोई 5 साल तक कुछ बुझते नहीं। तो क्या आप दोबारा चुनाव लड़ना चाहेंगे? दोबारा चुनाव लड़ने के कोई मूड नहीं है, कोई तैयारी नहीं। मैं इसके विषय में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव होता है ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके विषय में ना ही कोई प्रधान, ना ब्लॉक का सेक्रेटरी, ना ही तो IDO ना BDO कोई इसके विषय में पूछताछ करता ही नहीं है। तो दोबारा ग्राम पंचायत सदस्य को नहीं पूछा जाता है? दोबारा ग्राम पंचायत सदस्य को पूछने की बात ही नहीं है। एक बार जब से उसकी दस्तखत साइन कर लिया जाता है, दोबारा उससे नाहाल की बात ही अलग है, उससे कुछ पूछा ही नहीं जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सेवता ग्राम सभा, सेवता के किस नंबर वार्ड से आप जो है ग्राम पंचायत सदस्य चुने गए थे? 5 नंबर वार्ड से। 5 सालों में आपको ग्राम प्रधान द्वारा या ब्लॉक स्तर से किसी के द्वारा आपको बैठकों में या किसी प्रकार से बुलाया गया आपको? नहीं बुलावा गया, 8 दफा बुलाई नुलाई, इसके बाद हम कोई नहीं बूझा, ना हमारे बाप कबहू कोई बूझा रहे 10 साल पंच। अच्छा, आपके पिताजी 10 साल ग्राम पंचायत सदस्य रहे हैं? रहे हाँ, और फिर हमका हो गई 5 साल। तो कभी आपको बुलाया नहीं गया? हाँ, कबहू नहीं बुलावा गया। तो पूरे 5 साल में आपको कहीं बुलाया नहीं गया है, किसी प्रकार का मतलब आपसे नहीं रखा गया है, तो क्या आने वाले ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव में आप दावेदारी करेंगे अपनी? जब बुलावा नहीं जाता वो का है बाबू। वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुने गए ग्राम पंचायत सदस्यों के अधिकारों पर पूर्व BDC सहज राम गौतम व सेवता से अधिवक्ता अनिल अवस्थी ने आई इंडिया से कहा। ग्राम पंचायत सदस्यों के विषय में जो मेरे को और इससे पूर्व में जो जानकारी है मैं वही बता सकता हूँ कि इससे पूर्व में जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता था, लगभग आज के 15 या 20 साल पूर्व, तो प्रधान ग्राम पंचायत सदस्यों को ग्राम पंचायत के जो छोटे छोटे झगड़े होते थे, नाली नापदान खड़ंजा तमाम प्रकार के विवादों को आपस में पंचों के माध्यम से सुलझाता था, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। ग्राम प्रधान अपने ही स्तर से सारे काम निपटाता है और अपने ही निजी अस्तित्व से। तो क्या कोई वजूद नहीं है इन लोगों का?
मेरे हिसाब से तो ग्राम पंचायत की एक बैठक 5 साल में पहली बैठक जो होती है, उसके बाद शायद ग्राम पंचायत में जो पंचों की बैठक मेरे हिसाब से तो बुलाई ही नहीं जाती है। तीसरी पंचवर्षीय पंचवर्षीय पूर्व कलीन प्रधान के समय में मैं ग्राम पंचायत सदस्य रह चुका हूँ। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब मैं ग्राम पंचायत सदस्य था उस समय जो है ग्राम प्रधान उप प्रधान चुना जाता था जी। तो ये जो सदस्य होते थे चुनते थे जी, उसी पंचवर्षीय योजना से जो है उप प्रधान का चुनाव ही रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो भी प्रधान होता हम देखते हैं कि सदस्य की कोई वैल्यू नहीं, ना कोई पूछता है, हर प्रस्ताव सेक्रेटरी और प्रधान अपने आप पास कर लेते हैं और सब कार्य योजना बना करके करते हैं। सदस्य का कहीं भी कोई रोल नहीं है, ना सेक्रेटरी ना प्रधान ना वीडियो, कहीं से भी 5 वर्षों में इसकी कोई महत्ता ही नहीं है, एकदम ख़त्म हो गई है। हमारे समझ से तो यह आता है कि ये पद समाप्त ही कर दिया जाए या फिर कुछ अधिकार दिए जाएँ इसमें कोई ऐसा इसका कुछ नहीं है कि उसको पूछा जाए कभी भी। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।